हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइस वर्ल्ड, होप यू आर फाइन। आज के वीडियो में मैं आरटी के अंदर जो EWS और DG कैटेगरी में मुफ्त में बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी, जो अमूमन पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, जो कन्फ्यूजन होता है वो सारा ही मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरटी के अंदर एडमिशन रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपकी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो आरटी के अंदर, जैसे आप लोगों को पता है, आरटी के अंदर मुफ्त एडमिशन होता है। 25% हर प्राइवेट स्कूल में कोटा होता है आरटी के अंदर बच्चों का एडमिशन के लिए। तो ये प्रोविजन हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ऑल ओवर इंडिया ये जो है एक्ट लागू है आरटीई का। तो इसके अंदर अलग अलग डेट्स पे एडमिशन होते हैं स्टेट वाइज, हर स्टेट में अलग अलग डेट पे ये एडमिशन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि किस कैटेगरी, जो ये EWS और DG कैटेगरी होते क्या है, क्या आप इसके अंदर आते हैं या नहीं। तो EWS कैटेगरी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनका, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उनके बच्चों को एडमिशन का प्रोविजन होता है मुफ्त में प्राइवेट स्कूल्स में। अब यहां पर कैसे आपको पता चले कि आप आर्थिक रूप से कमजोर आते हैं कि नहीं, तो इसमें हर स्टेट में अलग अलग एक जो है ना इनकम लेवल का मापदंड दिया हुआ है। कहीं पर बिलो 1 लाख अगर आपकी फैमिली इनकम, सालाना फैमिली इनकम आपकी 1 लाख से कम है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। अगर कहीं पर ये 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, कहीं 3, कहीं 3.5 लाख से कम की अगर आपकी आय है, सालाना आय फैमिली की, मतलब मदर फादर की मिला के, तब आपके बच्चे का, आपका बच्चा एलिजिबल है आरटीई के अंदर एडमिशन के लिए। तो ये हो गया EWS। इसके लिए आपको अपना इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट देना होता है कि हमारी इनकम इतने से कम है। तो ये हो गया EWS। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो DG। DG का फुल फॉर्म होता है डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप में वे लोग आते हैं जो के होते हैं कुछ कास्ट से रिलेटेड, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड कास्टेस जिसे OBC कहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी जनरल कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज होती हैं अलग अलग स्टेट में, कुछ कास्ट होती हैं जो इसके अंडर आती हैं DG कैटेगरी में। तो वो स्टेट वाइज डिफर करता है, SC ST OBC, ये हो गया। फिर विकलांग बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, फिर ट्रांसजेंडर, फिर बच्चे जो HIV से इफेक्टेड हैं, ये आते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर। अगर आप इस ग्रुप के अंदर आते हैं तो आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं, आपकी कितनी भी आय हो इस कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं इनमें से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट देनी होती है, अगर कास्ट के अंदर आप आते हैं, HIV से इफेक्टेड हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, और अगर आप विकलांग बच्चा है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मेडिकल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सबमिट करने होते हैं। इन केसेस में आपको इनकम की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बता दिया EWS और DG, इन कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, और आप इसके लिए, इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप मुफ्त में एडमिशन करवा सकते हैं आरटीई के एक्ट के अंदर। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये सभी स्टेट में, ज्यादातर स्टेट में, अर्बन जो सिटीज है वहां पे ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन हर स्टेट की अपनी एक वेबसाइट होती है, आरटीई लिखकर आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे तो वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी गूगल पर, वहां पे सारी जानकारी दी होती है। वहीं पे आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है, ऑनलाइन ही वहां पर सारी जानकारी, आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा और फिर आपको भर के वहीं पे सबमिट करना होता है। इसके साथ साथ आपको स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी होती है। जैसे अगर आप EWS के अंडर भर रहे हैं तो आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट भरनी होगी, DG कैटेगरी में भर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी स्कैन करके वहां पे सबमिट करनी होती है अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और वहां पे एक केंद्र में जाके आपको फॉर्म भरना होता है। अब यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि ये जो डेट्स हैं ये अलग अलग तारीख निकलती हर स्टेट में, मतलब आपको चेक करना होता है कि एक वेबसाइट पर कि कब फॉर्म निकले, तो वो लिंक एक्टिव हो जाती है और फिर आप वहां पर फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसकी भी मैंने लिस्ट पर प्रॉपर वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो उससे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि स्कूल, आपको किस स्कूल में एडमिशन कराना है, तो जो आरटीई की वेबसाइट होती है उसी में आपको स्कूल की लिस्ट भी दी होती है जिसके अंदर आप EWS और DG कैटेगरी के अंदर आप स्कूल
में एडमिशन ले सकते हैं। ये एरिया के हिसाब से आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर आपको, 5 या 6 किलोमीटर के अंदर आपको स्कूल सेलेक्ट करना होता है। आप कितने भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर 5 किलोमीटर के ऊपर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब दूर के स्कूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसकी उसमें कुछ लिमिटेशन होती है, आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है। 3 या 4 स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अलग अलग रूल होता है स्टेट का। तो आपको अपना जो क्षेत्र है, अपना जो जोन है, उसी के स्कूल्स पहले सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस डालना है आपको जिस स्कूल में आप करवाना चाहते हैं, और फिर आप और भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं जो दूर हैं या दूसरे जोन में, अगर आपके जोन में स्कूल नहीं है तो। यहाँ पे वैकेंसी कितनी कितनी सीट्स खाली हैं हर स्कूल में, वो भी दी होती है इस स्कूल के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से भी आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। किस क्लास से इसमें एडमिशन होता है, आमतौर पर यहाँ पे नर्सरी केजी और क्लास वन, जो एंट्री लेवल क्लासेस जिसे कहते हैं, उसमें एडमिशन होता है। नर्सरी केजी या क्लास वन में आप बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। अब जो सवाल आमतौर पे पेरेंट्स का होता है कि क्या हमारे बच्चे का, जैसे बच्चे के नाम पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम एडमिशन करवा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। मदर फादर किसी के भी नाम पे कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चे के नाम पे कास्ट सर्टिफिकेट हो। उसके बाद ये सवाल होता है कि क्या हम दूसरे स्टेट का, हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या हम किसी और स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं? तो जी नहीं, ये स्टेट वाइज ही एडमिशन इसमें होता है। आप जिस स्टेट पे बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट के कागजात हैं आपके साथ, उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट वाइज एडमिशन होता है। स्टेट जो पर्टिकुलर स्टेट है उन बच्चों के लिए एडमिशन होता है। तो आप अगर दूसरे स्टेट के आपके पास कागजात हैं, तो आप दूसरे स्टेट में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी सवाल होता है कि क्या हमारा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर तो आप उसको रिन्यू करने के लिए दे दें, बट आप उसमें फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं, तो आप अप्लाइड फॉर के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, मतलब आपने अप्लाई किया हुआ। जैसे अगर आपके पास नहीं बना हुआ है या आपका एक्सपायर हो गया, तो आप अप्लाइड फॉर्म के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अप्लाई किया हुआ है, और आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें, तो आप रिसिप्ट या एप्लीकेशन नंबर उसमें फिल कर सकते हैं जब आप अप्लाई करेंगे कि हमने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे एक सवाल और होता है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है एडमिशन में। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया होता है, तो उस केस में भी आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आंगनवाड़ी का जो एक कार्ड बनता है वो भी चल सकता है। हॉस्पिटल का कार्ड होता है, हॉस्पिटल से जो आपको मिलती है कागजात बच्चे के जन्म पर, वो भी आप कर सकते हैं। मगर अगर ये सब भी नहीं है, कई बच्चे घर पे जिनका जन्म होता है या आपने नहीं बनाया है, तो भी पेरेंट्स को लिख कर डिक्लेयर करके साइन करके देना होता है कि हमारे बच्चे का जन्म इस दिन हुआ है, इस ईयर में हुआ है, तो वो भी चल सकता है। अगर प्रॉपर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक सवाल होता है कि अगर आप EWS और DG कैटेगरी में आते हैं, तो क्या आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं? ये भी पेरेंट्स का सवाल होता है। तो जी हाँ, आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप EWS और DG कैटेगरी में भी आते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर भी स्कूल में एडमिशन सीख कर सकते हैं। ये भी सवाल होता है कि हम दोनों कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं, EWS में भी आते हैं और DG में भी आते हैं, तो क्या हम किस से हम दोनों से भर सकते हैं? नहीं, आपको एक ही सेलेक्ट करना होता है। आप एक कैटेगरी के अंदर ही सेलेक्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप भर सकते हैं, मतलब जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि हमारे दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, या दो बच्चों का साथ में हमको करवाना है, तो हम क्या एक ही फॉर्म भरना है? नहीं, आपको दो फॉर्म भरने होंगे अलग अलग नाम से। आपके दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, या अलग अलग एज के भी बच्चे हैं, तो आपको दो फॉर्म भरने होंगे, सेपरेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। अब ये भी आपने जैसे अप्लाई कर दिया और आपने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, या आपसे कुछ गलती हो गई फॉर्म भरते वक्त, तो क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? तो जी, आपको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा वो एप्लीकेशन, और आप फ्रेश एप्लीकेशन भर सकते हैं। यहाँ पे ये भी पेरेंट्स का सवाल होता है कि हमने एप्लीकेशन ऑनलाइन भर दिया, तो क्या हमको स्कूल में जाके कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना ऑफलाइन? तो नहीं, आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको वेट करना है, जब आपके बच्चे का नाम आएगा, तो फिर स्कूल में जब एडमिशन आप सीख करने जाएंगे, जब जो स्कूल सेलेक्ट किया है आपने, वहां पे जब एडमिशन के लिए जाएंगे, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। फॉर्म भरने के बाद, ऑनलाइन भरने के बाद, आपको कहीं भी जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि किस तरह से
एप्लीकेशन, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चे का एडमिशन हो गया या नहीं? तो यहाँ पे क्या है, जिस वेबसाइट पर आपने फॉर्म भरा वहां पे लिंक जारी कर दी जाती है रिजल्ट की, कि आपके बच्चे का नाम अगर आ गया है तो वहां पे लिस्ट 1, 2, 3 लिस्ट जारी होती है अलग अलग डेट्स पर, तो वो आप देख सकते हैं वहां से। SMS भी आता है कहीं कहीं पर, या आप खुद कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं RTE से। अब यहाँ पर ये यह है कि किस तरह से एडमिशन होता है, तो ड्रॉ बेसिस पे होता है, लॉटरी सिस्टम पे होता है, ये कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकलती है और उस बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे ये भी सवाल होता है, क्या हम ऑफलाइन फॉर्म भर सकते? नहीं, आपको जहां पे प्रोविजन है ऑनलाइन फॉर्म का, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब जो अमूमन पेरेंट्स को होते हैं, कंफ्यूजन होता है एडमिशन से रिलेटेड। अगर आपकी कोई और पर्टिकुलर क्वेरी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई भी अदर क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि इसके अंडर हम अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों का मुफ्त एडमिशन आप पा सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनको नीड है उन तक ये बात पहुंचे। कई बार क्या होता है, कई सीट्स खाली रह जाती हैं, मतलब 25% कोटा पूरा नहीं हो पाता है स्कूल्स में, क्योंकि उतने एप्लीकेशन ही नहीं आए होते, लोगों को पता नहीं होता है। तो इस बात को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएंगे हम, तो जो बच्चों को पेरेंट्स को एडमिशन करवाना है अपने बच्चों का स्कूल्स में मुफ्त, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अभी डेट्स आई नहीं है किसी भी स्टेट्स में, आने वाली है फरवरी एंड तक, मार्च अप्रैल मई, ये मंथ्स में ही डेट्स आती हैं। सभी स्टेट्स में अलग अलग तारीखों में फॉर्म एप्लीकेशन ओपन होते हैं, तो आपको ज़रूरत है अवेयर रहने की, थोड़ा सा अलर्ट रहने की। आप अपनी स्टेट की RTE की वेबसाइट को चेक करते रहें, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अलग अलग स्टेट्स के जब फॉर्म निकलें तो मैं उसकी वीडियो के माध्यम से उसका वीडियो बनाकर आप तक उस जानकारी को जल्द से जल्द पहुँचाऊँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।